क्या सवाल करने का भी इंतजार है मेरे भाई। अब एक गुंडों का टोला सबको लूटते फिर रहा और कोई आदमी बोलेगा ये रैजन है और पूरे रैजन मिल के एक शरीफ आदमी को पुलिस स्टेशन में ले गया कि पुलिस ऑफिसर उसे मामला करके लॉकअप में दला रहे इनका अवस्था। ये लड़ाई मैंने कहा कि तखवे की बुनियाद पर लड़ाई चल रही, हलाल की बुनियाद पर लड़ाई चल रही। बाबरी मस्जिद का जो आप टीवी चैनलों पर देख रहे हो ऐसा दिख रहा कि पूरे टीवी चैनल अब हिंदुस्तान में अदालत नहीं चल रही, सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रहा, हाई कोर्ट नहीं चल रहा, बल्कि टीवी चैनलों पे अदालत चल रही, टीवी एंकर अदालत चला रहे। और फिर एक कोई लेके आते क्या बोलो मुसलमानों को लेके आते जिसको मालूम नहीं रहते और उसको बात करने नहीं देते, वो बेचारे को बात करने नहीं आता, आरएसएस का बढ़ जाता, बीजेपी का बढ़ जाता, विश्व हिंदू परिषद का बढ़ जाता, टीवी पे दो दो घंटे डिबेट। अब तो ये बोल रहे हैं कि भाई बाबरी मस्जिद का नाम ही नहीं लेना, राम मंदिर आप मान लेना, हिंदुओं से मोहब्बत है तो मान लो, हिंदुओं के साथ रहना है तो मान लो, नहीं मानोगे तो फिर बर्मा के हालात होंगे, वहां के हालात होंगे। अरे हालात 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 1400 साल से हम हालात देख के ही बाकी रहना, क्या मेरे खत्म होना से हो जाने से इस्लाम खत्म हो जाएगा या दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या मेरे बाल बच्चे खत्म हो जाने से इस्लाम खत्म हो जाएगा। बहरहाल जो इजलास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हैदराबाद में हो रहा और उसके पीछे जो सियासी कॉन्स्पिरेसी है उस इजलास को हिजैक करके सियासी फायदा सारे शहर हैदराबाद के अंदर ये बावर करना, पूरे मुसलमान हमारे साथ है भाई। बहरहाल अब इलेक्शन की हार जीत इंशाल्लाह ताला, जैसा कि मैंने अपनी तकरीर के तमीजी आगाज में कहा कि आजमाइश के बाद राहत है, आजमाइश के बाद राहत है, पुराने ऐलान कर रहा है। मेरे भाई हालात बदल रहे हैं, जो इलेक्शनों में है आप किसी जाके पूछिए कि तहरीक इलेक्शन हारी, ये पुलिस क्यों तहरीक के खिलाफ काम करती, पुलिस वाले इलेक्शन के दिन क्यों अरेस्ट करते, इसलिए अरेस्ट करते कि अमानुल्लाह खान बाबरी मस्जिद के लिए लड़े, अमानुल्लाह खान एनकाउंटरों के खिलाफ लड़े, अमानुल्लाह खान मुसलमानों की नाइंसाफियों के खिलाफ लड़े। और सबसे बड़ी तकलीफ तो इनको यह है कि अमानुल्लाह खान ने इस शहर को मुसलमानों का शहर बनाया, अमानुल्लाह खान जैसा लीडर नहीं रहता तो हैदराबाद मुसलमानों का शहर नहीं रहता, तलाकट्टा नहीं रहता, बाबा नगर नहीं रहता, मुसलमानों की शिनाखत नहीं रहती और इस हैदराबाद को हम अहमदाबाद बना सकते। हमसे ये लड़ाई, हमसे ये तकलीफ, तकलीफ ये है कि हमने हैदराबाद को हैदराबाद बाकी रखा, हैदराबाद को अहमदाबाद बनने नहीं दिया, ये तकलीफ। आज आला ओहदेदार अनुराग शर्मा, इसको मैं उस वक्त से जानता हूं जब मैं इंटरमीडिएट में था, जब से जानता हूं, ये साउथ जोन का डीसीपी था, इसके पूरी तारीख और ये मेरी तारीख से भी अच्छा वाकिफ था, ये परेशान था कि अगर जीत के आ जाएगा तो फिर एक अमानुल्लाह खान जैसा लीडर मुसलमानों को मिल जाएगा, फिर सामने वाला मामला भी 10 करोड़ रुपए दे रहा था, 10 करोड़ रुपए ले लिए, बांट लिए, काम का काम हो गया, एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट हो गया। अरे ऐसे बहुत आएंगे, एक इलेक्शन हारने जीतने से मैं डरने वाला या तहरीक के कारकुन डरने वाले नहीं। अल्लाह रास्ता फराहम कर रहा है, इस महीने में सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड के ऊपर एक केस चल रहा, उसका फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, आधार कार्ड पूरे इलेक्शन लिस्टों से वाबिस्ता हो जाएगा, जिस तरह आज आपका पैन कार्ड है, बैंक कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, वेलफेयर कार्ड है, सो आधार कार्ड से लिंक हो गए, इलेक्शन लिस्ट भी होगी, जब लिस्ट होगी तो मियां तुम्हारे बोकस वोट कहां बाकी रहते हैं वोटर लिस्ट में, अब कौन से अब्बा आके मदद करते, अकबरी अब्बा करते या नरेंद्र मोदी अब्बा करते अब मदद करते, अब इलेक्शन में पुलिस डिपार्टमेंट कैसे मदद करता तुम्हारी, कौन सा डीजीपी कौन सा कमिश्नर आके तुम्हारी मदद करता, हम भी देखेंगे। जब मुसलमान निकलेगा घर से कलमा पढ़ के इस नीयत से कि तकवे की बुनियाद पे मैं हक का साथ दूंगा और बटन दबाऊंगा, बायोमेट्रिक इलेक्शन अगर हो जाता, आधार कार्ड के साथ साथ उम्मीद ये है कि बायोमेट्रिक के साथ, अब बायोमेट्रिक फोन है आईफोन के साथ, आपकी उंगली लगी तो ही खुलता इंशाल्लाह, वैसे हालात हो रहे। और फिर जब वैसे हालात होंगे आपका भी जिम्मेदारी है कि हम जिंदोजहद करें,
अरे ऐसे संगीन हालात में पूरे सिस्टम के खिलाफ, सब के खिलाफ, दौलत के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ तहरीक का ये परफॉर्मेंस है, अगर बायोमेट्रिक होगा तो अल्लाह से उम्मीद है 5 MLतहरीक के मैं गिन के बताऊंगा ऐसा बनी। फिर उसके बाद तेलंगाना की असेंबली में खसीदे नहीं पड़े जाएंगे चीफ मिनिस्टरों के, उसके बाद हिसाब और किताब तेलंगाना में 4 लाख करोड़ रुपए की औकात की जायदाद का एक एक रुपए का हिसाब होगा। किसी केसीआर के खसीदे पड़ के जूते सर पे रखने के लिए नहीं जाते, वहां अमानुल्लाह खान की तारीफ दोहराने के लिए असेंबली में जाएंगे। बहुत हयात अल्लाह के हाथ में है मेरे भाई, ये हमले उमले अभी बचपने के बाता है। कभी कभी क्या होता, कोई गाड़ी सिलगा के कोशिश करता, एक्सपेरिमेंट करता, लेकिन कभी कभी गाड़ी सिलगाने वाले का अपने हाथ से अपना घर जल जाता। जो ये गाड़ी सिलगाने की कोशिश कर रहे ना, नादान बच्चों की हरकत मत करो, खड़ा जल जाएंगे तुम्हारे। हमारी तारीफ तुमको मालूम है, जो इनू गाड़ी खींच रहे, उन्हू गाड़ी खींच रहे, हम गाड़ी उड़ी नहीं खींचते। मौर्य तारीख लिखेगा, तुम गाड़ी खींच रहे, तुम्हारा घर चलेगा। जो ये टमाटे फेंके, वो फेंके, इलेक्शन में ये ड्रामा, अरे हम तो कोई सिक्योरिटी में नहीं मिलते भाई, टू व्हीलर पे आपके साथ कहीं भी जाते। अल्लाह माफी से मौत से पहले मौत नहीं जाती। ये गाड़ी खींचने का खेल बंद करो, वरना घर जल जाते तुम्हारे पूरे। जो ऐशो आराम में बच्चों को पाल रहे, हराम का खिला रहे, 5 स्टार होटल, ये सब खत्म हो जाते। अगर हम पीट लिए तो हैदराबाद में कोई भी नहीं रहते। फिर ये चैलेंज है मेरा, आज दुनिया बहुत छोटी हो गई, इधर अभी टेलीफोन पे बात करता उधर काम खत्म हो जाता, याद रखो। इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन, ये खुशखबरी है कि आधार कार्ड से वाबिस्ता इलेक्शन लिस्टों पे होगा और वोकस वोट हर पोलिंग बूथ में 200-300 है। पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन में कम से कम 3 लाख 3.5 लाख वोकस वोट ऑटोमेटिकली, ये अल्लाह का करम और मेहरबानी है तहरीक पे बिलखसूस। जब निकल जाएंगे तो कोई दूसरे महल्ले का आके आपके महल्ले में वोट नहीं दे सकता, आपका वोट चोरी नहीं कर सकता। बायोमेट्रिक अपना कार्ड लेके जाना, एक बटन दबाना, घर को आना, उसके बाद कौन से बाबा इलेक्शन जीतते हम भी देखते, कौन से बाबा लीडरी करते, कौन से बाबा हालात में मुकाबला करते फिरते हम भी देखते। हम भी टाइट फील्डिंग कर रहे इलेक्शन, याकूतपुरे में कैसी फील्डिंग करे, दोनों बाबाओं की पैर से जमीन निकल गई, गली गली रो रो के गरीब मुसलमानों के पैरा पकड़ा दी, गरीब मुसलमानों के पैरा पकड़ना पड़ा। इनको शकील भाई भी बोल रहे पीछे से भाग रहे आगे गए। इंशाअल्लाह ताला कोई फिक्र की बात नहीं है, आप इत्मीनान से रहिए, अल्लाह माहौल बेहतरीन बना रहा। आधार कार्ड से वाबिस्ता होंगे इलेक्शन लिस्ट, बायोमेट्रिक हो गया, आप अल्लाह का करम है। एक एक वोट जब मुसलमान देगा तो हकमत जानी का वोट रहेगा, तहरीक का जो इंकलाब रहेगा, फिर उसका रंग देखिए, जो 25 साल की कुर्बानी के बाद जो रंग आएगा वो तेलंगाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी आरएसएस के तार 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 अलग कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये फासिज्म और ये जो जारियत, अरे इतना जुल्म हो रहा, कहां है वही खाली आता, हर हर टीवी की डार्लिंग के लिए। ये बीजेपी की साजिश है कि एक मुसलमान को इतना टीवी पे दिखाओ और फिर उसे पैसा काम करो। बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह। 2 तारीख के दिन मोगलपुरा उर्दू घर तशरीफ लाइए और सबको इतला दीजिए कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के सिलसिले में जलसा है 9 दिसंबर बरोज हफ्ता। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम फजल से जलसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम शान पैमाने पे आप और हम अपनी कोशिशों के जरिए बेहतर से बेहतर मुनक्किद करने की कोशिश करेंगे। जो हजरात अहले इस्तेदात है और जिसके बोलने से माशरे के उन लोगों तक पहुंच के इस जलसे के ताउन में जो कोशिश है, आपकी कोशिश जारी रखिए। आगे का अल्लाह हाफिज़। या जिंदा सौबत।